हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आसिफ खान। ओके, कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करने का? थर्ड डे है। ओके, आपने फर्स्ट और सेकेंड डे कौन कौन से गियर में कार को चलाया? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, तो सबसे ज़्यादा गाड़ी सीखने को कौन से गियर में मिलता है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में? फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि जो गाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो गाड़ी का कंट्रोलिंग होता है, इंजन को कंट्रोल करना, कार को कंट्रोल करना, वो फर्स्ट और सेकेंड गियर। ये देखो किया ना कांड भाई, पैर नहीं उठना चाहिए आपका। अगर आप पैर को बार बार हवा में लाओगे तो ये फिर 15 दिन क्या 45 दिन में भी सेट नहीं होगा। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिना बात के एक्सीलेटर नहीं, गलती से एक्सीलेटर कभी नहीं दबना चाहिए। जो मैं बार बार वी शेप में पैर को रखवा रहा हूँ, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, अपने पैर को एक जगह आप एकदम फिक्स कर दो, राइट वाले पैर को एडी एक जगह ऐसी फिक्स करो कि एडी ना एक इंच इधर जाए ना उधर जाए ना हवा में आए। अगर पैर उठा तो समझ लो वो कब आप सोचोगे ब्रेक और दब जाएगा, एक्सीलेटर खुद को ही नहीं पता चलेगा। और ये सेट तभी हो पाएगा जब पैर को हवा में नहीं लाओगे, दोनों हाथ एक जगह कभी नहीं लगाते, जो अभी किया ना अपने स्टीयरिंग पे, राइट दबाओ नहीं लड़ जाएगी गाड़ी। भाई भाई कहाँ जा रहे हो, ये देखो क्या किया आपने, इधर कितनी जगह पड़ी, उधर दौड़ा, राइट दबाओ टायर कट जाएगा भाई, फट जाएगा टायर भाई, सीमेंटेड उसका पिलर है। लेफ्ट आ जाओ, ज़्यादा घुमा रहे हो आप स्टीयरिंग, बहुत ज़्यादा राउंड कर दे रहे हो। घबरा हड़बड़ाइए नहीं, प्यार से चलाइए, एकदम कूल माइंड से, लेफ्ट आओ, राइट नहीं जाना है भाई, हमारी साइड लेफ्ट है ना, आगे से गाड़ी आएगी वो कहाँ जाएगा। उसमें डे वाइज डे आसिफ जी, इसमें प्लानिंग भी करनी है, सीखने के बाद आपको घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है वीडियोज़ के जरिए, तभी चीज़ें माइंड में सेट हो पाएंगी, नहीं तो 15 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। अभी मैंने वहाँ क्लच ब्रेक नहीं लिया होता तो आप लेफ्ट वाली गाड़ी टकरा गई थी पिलर में, क्योंकि जहाँ पे ये फ्लैग रॉड लगा इससे भी गाड़ी 1.5 फीट लेफ्ट में निकली है। अगर आप यहाँ देखोगे लेफ्ट वाले मिरर को तो समझ में आएगा आपको। अभी क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, इंजन साउंड कर रहा है, ये देखो राइट वाला पैर कहाँ टहला रहे हो आप, इसीलिए तो आप ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दे रहे हो भाई, समझ रहे हैं, इसीलिए आपसे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जा रहा है, क्योंकि राइट वाला पैर आपका एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा है, हवा में रखने का कोई रीज़न ही नहीं है। है कोई रीज़न फिर, या तो ब्रेक पे या तो एक्सीलेटर पे। और स्टीयरिंग को जो दूरी बना के बताया मैंने वैसे पकड़िए, बार बार आपका हाथ पास में आ जा रहा है, सारा गेम तो स्टीयरिंग के राउंड से है ना, अगर स्टीयरिंग गलत पकड़ोगे गाड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे पहिया कहाँ जा रहा है। और जहाँ पे गड्ढे गुड्ढे हुआ करें पहले से ब्रेक पे पैर लिया है करो, ब्रेक लगाना ना लगाना एक अलग मैटर होता है, पैर आना ज़रूरी होता है। लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हो, जब ब्रेक लगाने लगते हो आपका एक्सीलेटर दब जाता है भाई, लास्ट मोमेंट पे अगर ब्रेक पे पैर ले जाओगे हड़बड़ाओगे तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर तो दब नहीं दबना है। पहले से 50 मीटर 100 मीटर पहले हमको प्लान करना, आगे ब्रेक लेना तो पहले ब्रेक पे पैर लिया, और ब्रेक से एक्सीलेटर से पैर हटाने से कोई गाड़ी थोड़ी रुकती है, पहले दूसरे गियर में अगर आप चल रहे हो तो गाड़ी तो आपकी चलती रहती है, रुकती थोड़ी है, बस स्लो हो जाती है। आगे लेफ्ट में भी रोकना है, इसको क्रॉस करके रिक्शे वाले को आगे बढ़ाओ, थोड़ा रेस करो, हाँ अभी सीधा जाओ, सीधा टकरा जाएगी भाई इधर, लेफ्ट दबाओ गाड़ी, लेफ्ट दबाओ पूरी, और आगे जाओ, और लेफ्ट आओ, लेफ्ट। आप ज़्यादा स्टीयरिंग घुमा दे रहे हो दोस्त, अब मुझे स्टीयरिंग पकड़ना पड़ा करेगा आपकी, अब बहुत ज़्यादा राउंड कर दे रहे हो स्टीयरिंग, इसको पहले गियर में करो, बहुत पावर स्टीयरिंग है ना, इतना ज़्यादा नहीं घुमाना है इसको, पहला गियर। ओके ब्रदर, पहला गियर लगाइए, पहला गियर, ये तीसरा गियर डाल दिया भाई आपने, उखाड़ना नहीं है गियर को हल्के हाथों से, ये देखो ये होता है, इसमें छोड़ो, इसको छोड़ो, देखो कहाँ लिखा है इसमें फर्स्ट, ऊपर किस साइड में लिखा है, क्या डायरेक्शन है, लगाओ फिर, लग गया पहला गियर, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी राइट दबाओ गाड़ी, और दबाओ राइट, स्टीयरिंग घुमाओ मेरे भाई, स्टीयरिंग और ब्रेक छोड़ो, बस सीधा जाना है, अभी सीधी करो, और जो आप गियर में इतनी ज़्यादा ताकत लगा रहे थे गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, इशारे से चलता है टच फोन की तरीके से, अगर क्लच दबा हुआ है जाओ बढ़ाओ धीरे से, रेस करो, लेफ्ट आओ, हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर चेंज करो, क्लच दबा के चलो, लेफ्ट आओ लेफ्ट, हाँ सीधी करो सीधी,
बढ़ाओ धीरे धीरे, हाँ चलो हल्का लेफ्ट आओ, राइट नहीं जाना है, राइट नहीं जाना है, जितना लेफ्ट रखोगे आसिफ भाई उतना सेफ रहोगे आप। बीच रोड पे दौड़ाओगे तो दाएं बाएं वाले लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, कोई लेफ्ट से निकालेगा कोई राइट से निकालेगा, समझ रहे हैं? हाँ, अंगूठे के साथ आपकी फर्स्ट वाली फिंगर भी होनी चाहिए, उसको टो कहते हैं, राइट रखो हल्का, उसको टो कहते हैं। अगर आप खाली खाली सीधी करो सीधी, चलो जाओ धीरे धीरे, हाँ स्टेयरिंग को बहुत लाइटली रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाते हैं, आप ज़्यादा घुमा देते हो पूरी गाड़ी आपकी लहरा जाती है, एक बार हाँ बहुत ज़्यादा हिला देते हो स्टेयरिंग को। अभी आगे से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का और ब्रेक पे पैर लिया हो, दबाना नहीं है बस पैर होना चाहिए, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, राइट दबाओ हल्का, नहीं आंटी को टकरा जाएगी। भाई 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 आसिफ भाई अभी छू गई थी आंटी को, लेफ्ट टर्न करो, अभी उनको टकरा गई थी गाड़ी भाई आपकी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बढ़ा लीजिए स्पीड, अभी आगे से राइट जाना, सिग्नल दीजिए राइट का, भाई राइट का, राइट का, आपने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया था। चलो यहाँ से धीरे आराम से, हाँ बस अभी अपना लेफ्ट वाली लाइन में आओ, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं तो जिसको भी जाना है वो राइट से जाएगा, अगर हम राइट वाली लाइन में रखेंगे तो पूरा ट्रैफिक पीछे का डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी वजह से, और हम अपनी गाड़ी, हाँ हमें स्लो चलना है तो हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट में रखेंगे ताकि हमारी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से लेफ्ट जाना है जहाँ से कार निकली है, हाँ 100 मीटर पहले प्लानिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो जर्किंग हो रहा है ये आपके पैर की वजह से, और आप ब्रेक पे पैर ले आओ, यहाँ पे हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर टर्न करना, हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेके, हाँ लेफ्ट जाना है, पहले घुमा दिया आपने, चलो जाने दो। ये मिरर जरूर चेक किया करो, आप मिरर नहीं देखते हो लेफ्ट और राइट वाला, एक एक सेकंड में मिरर पे नजर जानी चाहिए ताकि हमें ये पता चलता रहे हमारे अगल बगल चल क्या रहा है भाई, समझ रहे हो? बिना देखे अगर लेफ्ट राइट घुमा दिया कोई बाइक वाला या कोई बंदा साइकिल वाला निकल रहा होगा तो वो आपके चपेट में आ जाएगा, है ना? तो साइड अगर देखते रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आराम से, बहुत ज़्यादा तेज नहीं। हाँ अभी ब्रेक पे पैर रखो और जाने दो धीरे धीरे, अभी साइकिल वाले को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन पहले से प्लान करना नहीं, पता लगा लास्ट मोमेंट पे आप आए और अचानक आपने राइट दबा दी और उस टाइम राइट से कोई गाड़ी निकल रही थी या बाइक निकल रही थी वो तो टकरा जाएगी। इसमें सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देना और अपने माइंड को ओपन रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो चलाते चलाते प्रैक्टिस होते होते चीज़ें समझ में आएंगी। लॉन्ग हॉर्न, ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो, हाँ बस धीरे धीरे जाने दो, जाओ। अगर मैं बोलता नहीं स्लो करो तो क्या होता, अभी उसमें टकरा जाती गाड़ी जाके, है ना? और अपने लेफ्ट और राइट वाले मिरर को बार बार चेक किया करो कि सिचुएशन क्या है। हाँ सीधे चल रहा है, हाँ सीधा जाना है, बस अपनी साइडों को देखते रहना, चेक करते रहना कि कौन लेफ्ट से निकल रहा है कौन राइट से निकल रहा है, इस तरीके से। हाँ चलो जाने दो धीरे धीरे, हाँ साइकिल वाले को आपने हॉर्न दिया, बात वो समझना है ना, फिर गाड़ी निकलने के बाद या गाड़ी आप एंटर कर चुके तो फिर क्या मतलब है, आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो ना, फोर व्हीलर जैसा सोचना है, बड़ा सोच के चलना है। और ये हॉर्न बजाने का तरीका आपका बहुत गलत है, ऐसे नहीं हॉर्न बजाया जाता है, ये तो छेड़ने वाला हॉर्न होता है जो आप बजा रहे हो बार बार, लॉन्ग हॉर्न लेना होता है। अभी यहीं से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, भाई ये राइट का सिग्नल दे दिया आशिफ भाई, कहाँ ध्यान है आपका, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का लेना पड़ेगा ब्रेक, जाओ अभी सीधी करो स्टीयरिंग और ब्रेक पे ही पैर रखे रहो, एक्सीलेटर की नीड नहीं है, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर का कोई काम ही नहीं है। चलो आगे से अभी राइट जाना, जहाँ पे भी टेम्पो खड़ा हुआ है वहीं से हमें राइट टर्न करना है, टर्निंग के लिए सिग्नल दे दीजिए भाई, कहाँ पे राइट, ये टेम्पो खड़ा है जो डाला वही टेम्पो, हाँ टर्निंग के टाइम हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक लेके लॉन्ग हॉर्न पुश करो,
हाफ क्लच थोड़ा सा ब्रेक गड्ढा है, लेफ्ट दबा के, लेफ्ट दबा के भाई छोड़ो क्लच ब्रेक। हाँ छोड़ो, ये देखो ये देखो ये क्या करा आपने, ये राइट वाला पैर कहाँ ले गए? नहीं आप बोले छोड़ दी, मैंने पूरी बात सुनो क्या कहा था, मैंने कहा था छोड़ दो क्लच ब्रेक। तो छोड़ने का मतलब क्या होता है कि जो आपने दबाया है उसको रिलीज करो, पैर नहीं हटाना होता है, पैर हटाने का कोई रीजन ही नहीं है, पैर आपके हमेशा वहाँ टच फील, तभी तो मैंने शूज हटवाए हैं। छोड़ने और हटाने का मतलब मैं कहता पैर हटा लो, पैर हटा लो वहाँ से, तो आपको हटाना था, मैंने कहा क्लच ब्रेक को छोड़ दो, जो दबाया है उसको छोड़ दो, बात समझो पहले। आगे से राइट जाना है, सिग्नल। अब देखो उंगलियों से एक्सीलेटर दबा रहे हो आशिफ जी आप, है यहाँ से राइट जाना है, यही तो पैर आपका बार बार, अगर आप 10 बार एक्सीलेटर ब्रेक पे पैर ले जा रहे हो तो 10 तरीके से अलग अलग वो पड़ रहा है, एक जो उसका पॉइंट है वो नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हैं? और उससे क्या होगा ना कि कभी ज़्यादा दबेगा, कभी कम दबेगा, कभी पैर नीचे, देखो देखो सामने, इसको आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आगे से लेफ्ट जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।